अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे के बाद अस्थायी तौर पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा सोमवार से फिर शुरू हो गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। पंचतरणी रूट के जरिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते यात्रियों का वीडियो भी सामने आया है। इस बीच सेना ने पवित्र गुफा के बाहर एक अस्थायी सीढ़ी तैयार की है। बीती शुक्रवार को बादल फटने से हुए भूस्खलन के कारण गुफा मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। सेना की इकाई चिनार कोर ने ट्वीट करके बताया कि यात्रा के पहलगाम से शुरू होने के मद्देनजर पवित्र गुफा के बाहर यात्रियों के लिए रात भर में अस्थायी सीढ़ी बनाई गई है। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिन की वार्षिक यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 48 किलोमीटर लंबे नुनवान मार्ग और मध्य कश्मीर के गांदरबल में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से यात्रा शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 1,13,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त हो जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। बम 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 बम